बाबा के बारे में क्या कहता है बताऊं? चलते चलते जब गिर जाता हूँ, बाह पकड़ कर मुझे उठाता है। चलते चलते जब गिर जाता हूँ, बाह पकड़ कर मुझे उठाता है। और उठाकर बाबा क्या कहता है? मेरा होकर क्यों घबराता है, ऐसा कहकर धीर बनाता है। मेरा होकर क्यों घबराता है, ऐसा कहकर धीर बनाता है। जब मैं गिर जाता हूँ चलते चलते, हाथ पकड़ कर उठाता है और उठाकर कहता है, पहले जब तू मेरे पास खाटू आया था क्या बोल कर गया था बाबा, तेरे सिवाय मेरा कोई नहीं, झूठ बोल कर गया था। जब तुझे किसी और का आसरा है तो फिर मुझे ये क्यों बोलता है कि तेरे सिवाय मेरा कोई नहीं। तूने एक बार कहा कि बाबा तेरे सिवाय मेरा कोई नहीं, मैं तुझे हर बार कहूंगा कि तेरा मेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं। ऐसा कहकर धीर बंधाता है, मेरा होकर क्यों घबराता है, ऐसा कहकर धीर बंधाता है। अपनों से ज्यादा चिंता, अपनों से ज्यादा चिंता करता दुलार, अपनों से ज्यादा चिंता करता दुलार। कौन कौन मानते हैं, किसको किसको मालूम है आगे की लाइनें? पूरे हाथों से मिलकर तालियां बजा कर क्या बोलेंगे? खाटू वाला है हम जैसे दिनों जिसकी चिंता करने के लिए रात को 3 बजे भी जाता है। एक बार तालियां बजाओ, मैं जयपुर वाला हूं। पता है आज से 30 साल 40 साल पहले 40 साल पहले
दिल में नहीं है बेटी, सारी रात मंदिर नहीं खुलता था ग्यारस के लिए। लेकिन आज के हाल है, एक आया उस पर इतनी कृपा बरसाई, उसने चार लोगों को कहा अगली बार आया वो चार को लेकर आए, और चारों पर कृपा कर दी, वो चार अगली बार आए 40 को लेकर आए। ऐसा ही काम बनता है। हार भक्त की इनको ना मंजूर, इसीलिए हारने नहीं देना, इसलिए कतार लगी है, इतनी कृपा करता है ना बाबा। इसलिए देख, पहले 40 साल पहले मौत से 11 को भी रात को सोता था, और फिर उसके बाद 3 दिन का मेला हुआ, उसके बाद 5 दिन का मेला हुआ, और इस बार 9 तारीख से लेकर 18 तारीख तक का मेला अनाउंस हो गया है, और 2-4 साल के अंदर में वो दिन आने वाला है कि जिस दिन फागुन लगेगा उस दिन से लेकर और होली वाले दिन तक रात भर तुमको जलाकर रखेंगे। तो वाला है हम जैसे दिन।
लग रहा है कि मेरे कहने से आप गाओगे कि खाटू वाला दिनों का आधार है, आप पर ऐसी कृपा नहीं हुई इसलिए अपने मन से नहीं गाओ। किस पर कृपा होगी? ये तालियां तो जयपुर की नहीं, या तो 3 महीने में मेरे कानों में कुछ फर्क हुआ। बोलिए सिर पर हाथ फिराने वाले जय। किसको किसको फक्र है कि उन्हें श्याम दरबार मिल गया। क्या बोलेंगे? मैं गर्व से कहता हूँ मेरा श्याम सलोना है। बोलो। मैं गर्व से कहता हूँ मेरा श्याम सलोना है। इनके ही लिए दिल में भावों संजोना है, इनके लिए दिल में भावों को संजोना है। किसको किसको गर्व है? किस्मत अच्छी थी, पिछले जन्म के कोई अच्छे कर्म थे जो बाबा श्याम का दरबार मिल गया। रिमप कम करो भैया, इसका रिमप इतना मत करो। किसको किसको गर्व है? पूरे हाथों से मिलकर जोरदार तालियां बजाकर। मैं गर्व से कहता Yeah.
फट हो जाना, घर में चूरमा कूट कर ले जाना। घर में चूरमा कूटना मिक्सी में नहीं, वाहन दस्ता मुस्लिम में शक्कर डालना, घी डालना, लेकिन साथ में भजन भी सुनाते रहे। और उस चूरमे को किसी बर्तन में, अच्छे बर्तन में, और अपने से बिल्कुल दूर मत करना, खाटू लेकर जा और गाड़ी से उतर कर इतना कर लो तो सोने में सुहागा हो जाएगा, सिर पर उसको रख लेना। और जितनी दूरी गाड़ी से मंदिर है, जो भी भजन याद हो, चार लाइनें उसे सुनाते सुनाते जाना, कसम खाटू वाले की आपके मंदिर में पहुंचने से पहले मंदिर से उतर कर आएगा और आपसे ले लेगा। तूने सर पे
फिर भी पूछ रहा हूँ, जो गया वो हाथ उठाओ, शर्म क्यों करते? अच्छा कौन कौन खाटू नहीं गया वो एक बार हाथ उठा, जो कभी खाटू नहीं गए। मैं बताऊं, मुझे बाबा ने बुलाया तो क्या हुआ, जब से खाटू आया, खाटू वाला बना मेरा, जब से खाटू आया, खाटू वाला बना मेरा। कुछ लोग अभी नहीं गा रहे, या तो वो खाटू नहीं गए, या आज तक उनका खाटू वाला अभी तक बना नहीं है। जो खाटू गए हैं और जिनका खाटू वाला बना है, वो सीधा दान कर दहाड़ कर बोलो, जब से खाटू आया, खाटू वाला बना मेरा, जब से खाटू आया, खाटू वाला बना मेरा, अपने न बने अपने, अपने न बने अपने, इसने पकड़ा हाथ हाथों का खिलौना है।
का मतलब यही सिर्फ गम की बातें समझ में आती है। उनको ये नहीं मालूम आंसू ही एक ऐसा हथियार है जो श्याम को झुका देता है, आंसू ही एक ऐसा हथियार है जो इसका सिंहासन हिला देता है। कैसे? नरसी ने बहा नरसिंह जी क्या इसलिए रोए कि नानी बाई के ससुराल से डिमांड लिस्ट लंबी आ गई, कौन कौन भरेगा? उनको तो परवाह ही नहीं थी। तू जाने और तेरो श्रीमन नारायण नारायण। गाड़ी में बैठ गए, टूटी गाड़ी में मोटे साधुओं को साथ ले लिया। भगवान ने सोचा पास में फूटी कौड़ी नहीं, भाग भरने चला है। भगवान ने परीक्षा ली, रास्ते में मुनीम बनकर आया, गाना भर भर कर लेकर आए हीरे मोती जवाहरात का, और गाड़ी रोक कर कहा, नरसी जी मैं कन्हैया का मुनीम, कन्हैया ने आपकी बेटी का भाग भरने के लिए हीरे मोती जवाहरात भेजे हैं। नरसी जी ने कहा, भाई कह देना तेरे कन्हैया से आग लगा दे हीरे मोती जवाहरात, मेरी बेटी का भाग इनसे नहीं भरा जाएगा। मेरी बेटी का भाग तो तब भरा जाएगा जब कन्हैया रुक्मण और भामा को लेकर आएगा और अपने हाथों से अपनी बहन रानी को चुनरी उड़ाएगा। और फिर लगे हड़ताल बजाकर श्रीमन नारायण नारायण नारायण, आंखों से आंसुओं की धारा बहती थी। भगवान हार गए वहां। मीरा भाई रजवाड़ा पूरा था, राणा ने कोशिश कर ली लाखों, मीराबाई को नहीं डिगा पाए। और जब राणा को लगा कि महल की इज्जत दांव पर लगी है और मीरा को खत्म करने में फायदा है, मीराबाई अपने कक्ष में भगवान के सामने बैठकर भगवान का भजन कर रही थी, ध्यान कर रही थी, तालियां बजा। राणा ने विष का हलाहल प्याला भेजा, दासी लेकर आई। मीराबाई ने इशारे से कह दिया, ठाकुर के चरणों में तालियां बजा। मीराबाई अपने ध्यान से मग्न हुई, गिलास उठाने लगी, दासी चरण पकड़कर रोने लगी, महारानी इसे मत पीना, ये साथ साथ हरा हल विष है। मीराबाई ने कहा, रे पगली अब ये विष नहीं है, अब ये मेरे ठाकुर का प्रसाद है। मेरे ठाकुर ने जब इसका भोग लगा लिया तो मेरे लिए कैसे ये जहर हो सकता है, ये मेरे ठाकुर का प्रसाद है। और खटाखट पूरा का पूरा प्राण अपने गले में उतार लिया और भगवान ने हाथ मानकर जिसको अमृत बना दिया। तो आंसू ही देते
जिंदगी की जरूरतें पूरी कर दी और हम समझ लें कि हम श्याम प्रेमी हो गए, ऐसा नहीं है। यहां तक तो हम सौदागर हैं। दरबार में गए, हाथ फैलाया, अपनी बात कही, बाबा ने काम बना दिया, सिर्फ लेना जानते हैं, कुछ देना भी आना चाहिए। श्याम का हाथ बटाना जानना चाहते हो? हर प्रेमी अगर मन में ये कर लेना कि मैं भी श्याम का हाथ बटाऊं, मैं भी किसी श्याम प्रेमी के काम आऊं, तो मैं विश्वास दिलाता हूं आपका बाबा आपके दरवाजे पर हर वक्त खड़ा रहेगा। एक पिता सुनना प्रेमी, बस इसके बाद एक भजन हो। एक पिता, उसके दो बेटे होते हैं, चार होते हैं। 25 साल तक उसको पाल पोस कर बड़ा करता है, किसी स्वार्थ में नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं तो जब बेटा 25 साल का होता है तो बाप की उम्र 50 साल या 55 साल होती है, उसे लगता है कि अब ये मेरा हाथ बटाएगा, अब मुझे थोड़ी सी मुझे फुर्सत मिलेगी, अब मेरा बेटा जितना काम मैं अकेला करता था, मेरे दो बेटे हैं वो मेरा काम साथ करेंगे, काम चार गुना होगा और मुझे थोड़ी सी छूट मिलेगी, मेरे शरीर को थोड़ा सा आराम मिलेगा। लेकिन अगर वही बेटा नालायक निकल जाए तो उस बाप के दिल पर क्या दुख होता है,
बस बाबा के दरबार में जाते हो ना तो यही सोच कर जाया करो कि ये हमारा बाप है और हम इसके बेटे हैं, हमें अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, अब हम अच्छे बेटे बनकर जैसे एक बाप सोचता है कि मेरा हाथ बटाएगा वैसे हम भी अपने इस पिता का हाथ बटाएं। और इस पिता का हाथ तभी बटा सकते हैं, कोई आपके अगल बगल में परेशान है वो खाटू वाला को पुकार लगाई, आपने खाटू वाला का एजेंट बनकर उसका काम बना दिया, उसको दरबार में पहुंचा दिया, उसको थोड़ी बहुत सुख सुविधाएं दे दी, बाबा आप पर कृपा कर देगा, आप पर कृपा बरकरार रहेगी, आपके दरवाजे पर बाबा 24 घंटा खड़ा रहेगा। क्योंकि प्रेमियों जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, एक सेकंड की गारंटी नहीं है कि कल हमारा है कि नहीं है, कम से कम अब तो हमें सोचना चाहिए। बोल सांचे दरबार की जय। एक भजन और बाबा के दरबार में, क्योंकि समय काफी हो गया। और हाँ, इसके बाद एक भजन बाबा का सुनाता हूँ, उसके बाद आखिर में आज महाशिवरात्रि है, भोलेनाथ के चरणों में छोटी सी भेंट रखेंगे। बोले श्याम प्यारे की, एक प्रेमी बाबा के दरबार में पहुंचता है और बाबा से कहता है, बाबा वो दिन कभी बाबा तुम्हें भुलाए। भैया आप यहां खड़े हो गए, कितने लोगों को बाबा नजर नहीं आ रहा, ठीक है। वो दिन कभी ना आए बाबा तुम्हें बुलाए। भैया हेलो, ओ भाई साहब, बाबा ने कहा अच्छा इतनी बड़ी बात बोल दी, वो दिन कभी ना आए बाबा तुझे बुला दे, मेरे से इतना बड़ा कॉल कर रहा है, कॉल करवा रहा है, जरा तू भी तो बता दे कि अगर तू मुझे भूल गया तो तुझे सजा क्या मिलनी चाहिए। उस प्रेमी ने कहा बाबा छोटी सी बात है, अगर मैं आपको भूल जाऊं तो मेरी सजा क्या होनी चाहिए वो भी सुन लेना। गर जो तुम्हें भुला दे, गर जो तुम्हें भुला दे तो हस्ती मेरी मिटा दे। बोलो गर जो तो हस्ती मेरी मिटा दे। बाबा से कहा बाबा आज मेरा जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ आपके कारण है, मैं तो सड़क पर था, आपने फलक पर मुझे बिठाया है, आपने बिठाया है, और अगर मेरी जिंदगी के अंदर में कोई दिन ऐसा आए कि मेरी जिंदगी में आप नहीं हो, वो एक पल भी ऐसा आए उससे पहले मेरी हस्ती खत्म कर देना, लेकिन जीते जी मैं ऐसा पल कभी देखूं ये मत होने देना बाबा। गर जो तुम्हें भुला दे तो हस्ती मेरी मिटा दे। जिसको ये सौदा मंजूर है पूरे हाथ उठा लेना और जोरदार तालियां बजाकर बोलना, वो दिन कभी बोला।
बचा जीवन के दिन ताए कर के तुम्हारी चल जा जीवन के दिन बिताए। कहा बाबा आज तक तो जब बीत गया लेकिन कल से मेरी सुबह कैसी होनी चाहिए। तुम्हारी चर्चा जीवन के दिन बिताए करके तुम्हारी चर्चा जीवन के दिन बिताए। प्रेमी से तेरे मिलकर रिश्ता जो आपका प्रेमी हो, जो आपका प्रेमी नहीं हो उनको डिलीट कर देना। करता जो प्रेम तुमसे उनसे हमें मिला वो दिन कभी Yeah.
मुझे
हमारी अर्जी है, शाम तुमसे हमारी अर्जी है। क्या दी है? कभी हमसे खफा नहीं होना, कभी हमसे खफा नहीं होना, शाम तुमसे हमारी अर्जी है, बाबा तुम मंजिल मेरी तू ही है।
हारे के सहारे। प्रेमियों, एकमात्र आपका जयपुर शहर ही ऐसा है जहां पर समझ लीजिए 4 दिन यात्रा है बाबा की। और आपको दिल से बताऊं, आपने जो प्यार बरसाया है, आपने बाबा के प्रति जो भाव दिखाया, आजीवन श्री श्याम कला भवन ऋणी रहेगा। आपके भावों को आभार प्रकट करके छोटा नहीं करूंगा, लेकिन हमारे विनोद भैया जी आज बरसाना धाम, बरसाना हाउस नहीं, बरसाना धाम, बरसाना धाम में आपने जिस भाव से बाबा की अगवानी करी है ना, जब पड़ाव आपके यहाँ पर आकर रुका था, बाहर 700 मीटर दूर थे, और मैंने पीछे घूम कर देखा, चारों तरफ ये पगड़ी बंधी हुई थी, तो एक मिनट को ये लगा कि हम बाबा के बराती बनकर चल रहे हैं। और विनोद जी बारात का आवभगत के लिए खड़े हुए हैं। आप पर पूरे श्याम परिवार पर ये कृपा बनी रहे, हर घर में इसी तरह खुशियां बढ़ती रहे, आप लोग इसी तरह प्रभु का सत्कार करते रहे। ज्यादा तो कुछ नहीं, बस श्री श्याम कला भवन की तरफ से मैं निवेदन करूंगा हमारे परम आदरणीय श्री, हाँ जी आइए, 4 लाइनें बाबा भोलेनाथ के लिए अगर आपके पास टाइम हो तो। अच्छा आइए, डी डी शायद आज व्रत किसने किसने किया है, उपवास छोटा वाला लिवर, कितनी बार खाना खाया, लेकिन दिन भर तो हल्दीराम और भिखाराम चल रहा है ना। देखो भाई, जिसको जल्दी है, आप लोग कल कहाँ पे भोलेनाथ के चरणों में महाशिवरात्रि है आज। आपके जयपुर का तो पता नहीं, लेकिन कलकत्ते में अष्ट प्रहर भोलेनाथ का अभिषेक हो रहा है। अष्ट प्रहर कलकत्ते का हर शिव मंदिर 24 घंटा खुला है। तो आइए, ये एक पुकार है, एक मंत्र है, इस मंत्र से न जाने करोड़ों भक्तों का काम बना, और हर घर के अंदर में भोलेनाथ पूजे जाते हैं। Hare Krishna।
ये बाबा भूत राज की, बोलिए जुगल जोड़ी सरकार की, बोलिए श्री राधे रानी की, बोलिए श्री बरसाने वारी की। बस चंद लाइने राधा जी के लिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम ही हो रहा है क्या बज रहा है? देखिए अब मेरा मूड बन गया, चार लाइनें राधे रानी सरकार के लिए और चार लाइनें ठाकुर जी के लिए चलेगा। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कल खिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, घर धूल ही मिल जाए। हमसे अच्छा तो वो चातक है जो सिर्फ एक ही जल पीता है, कौन सा? रोहिणी नक्षत्र में जो बारिश होती है, पूरे साल वो प्यासा रहता है लेकिन टकटकी लगाकर देखता रहता है। जो भी रोहिणी नक्षत्र की बारिश होती है बस उसी के कुछ बूंदों को समाकर जिंदा रहता है, लेकिन उसे विश्वास रहता है कि मुझे मरने से पहले बरसा देगा। क्यों कहते हम कि मनुष्य योनि उत्तम है? ये मेरा मानना है, चाहे कितने ही बड़े से बड़े लोग बोले कि मनुष्य योनि उत्तम है, जिस किसी योनि में ठाकुर का ध्यान लग जाए, ठाकुर आ जाए, वही योनि उत्तम है। इतिहास उठाकर देख लेना, गज ने चिंघाड़ लगाई, हरि आ गए। हमने जन्म लेकर आज तक क्या किया? हरि नहीं आ पाए, लेकिन गज ने चिंघाड़ लगाई, हरि आ गए। तो जब गज की एक जानवर की पुकार पर आ सकते हो तो फिर मैं ये क्यों बोलूंगी मुझे इंसान ही बनाना, कुछ भी बनाना बाबा, कीड़ा मकोड़ा कुछ भी, कोई भी प्राणी बना देना, बस कृपा इतनी करना कि करुण पुकार सुनकर जैसे गज की पुकार सुनकर बोलो किसको किसको ठाकुर जी और ठाकुराइन जी का चरणों के धूल चढ़े, पूरे हाथ उठाना, पूरे पूरे और मिलकर जोरदार तालियां बजाकर बोलेंगे राधे तेरे चरणों
गाना बंद करवा दो, मैंने कीर्तन बंद कर दिया। रिक्शा वाला चलता है घंटी नहीं होती। क्या बोलता है? राधे राधे। गुण है आपकी, ध्यान से सुनना। क्या बोलता है? राधे। नहीं, राधे राधे राधे। Thank you.
कौन से? ये 97 23 साल से अब क्या लाइक अब लाइफ है श्याम थारे बिन दास को मन लो हाँ बिन भारो कौन है एक बार मुख से Chica.
आज सचमुच में मैं तो सचमुच में वृंदावन और बरसाने पहुंच गया आज। आज इतने बड़े मेरे भाग्य कि ठाकुर जी गोदी में आ गए, ठाकुरानी जी आई। बोल साचे दरबार की। सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ। आरती बैठ के होगी, लेकिन आरती से पहले मुझे कुछ कहना है, दो मिनट के लिए, अगर दो मिनट आप समय दो तो। केशव जी मुझे ठहल का मजा दिया ना बाबा, बाबा है, बाबा है, बाबा है। सब बैठ जाइए प्रेमियों। देखिए मैंने पहले ही कहा कि आपके प्यार की तुलना नहीं कर सकते, तोला नहीं जा सकता प्यार कभी भी, लेकिन विनोद भैया और आपके पूरे परिवार ने, इस बरसाना धाम ने जो आज बाबा का स्वागत किया है, इसके लिए मैं बाबा से हमेशा यही अरदास करूंगा कि खाटू वाले श्याम प्रभु और वृंदावन श्री बिहारी जी और श्री राधे रानी जी का हमेशा इस घर में वास रहे, इस धाम में वास रहे, ये कृपा बरसती रहे, समस्त लोगों के इसी तरह भाव हमेशा बने रहे, यही कृपा मैं चाहूँगा बाबा से। और श्री श्याम कला भवन के सबसे वरिष्ठतम सदस्यों में से खाटू धाम विराजते हैं श्री पुरुषोत्तम जी जगराम का, और कलकत्ता से, खाटू से कलकत्ता गए, कलकत्ता से बाबा की ध्वजा लेकर पैदल चल रहे हैं हम लोग बाबा के साथ में। हजारों भक्तों की अरदास लगाई, आज भी बाबा का रथ बाहर विराजमान है, आपने देखा होगा हजारों अर्जियां बंधी हुई है उसमें, हर एक अर्जी पर मेरा विश्वास है कि सुनवाई होगी। बाबा के कान में मंगला आरती में रोज सुबह अर्जी लगाते हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि परमादेंद्र श्री विनोद भैया जी को बाबा का एक प्रतीक चिन्ह और एक शॉल उठाकर सम्मान करेंगे। विनोद भैया एक बार मैं निवेदन करूंगा, कृपया दरबार में आए। बड़े भैया से भी निवेदन करूंगा, छोटे भैया से, क्या नाम? राजीव भैया, मनोज भैया, मैं निवेदन करूंगा, कृपया आप आ जाओ एक मिनट के लिए। राजीव भैया, मनोज भैया, यहाँ से लेके विश्वकर्मा तक चारों प्रोग्राम होगी, भेंट शहीदों को समर्पित होगी। क्या बात है, आज जो ये बाबा के दरबार में जो भेंट रखी है, ये भेंट आज से लेकर आज कल परसों तरसों विश्वकर्मा तक जो भी दरबार में भेंट है वो पुलवामा के शहीदों के लिए। एक बार जोरदार तालियां बजा दो। गिरधारी लाल जी अग्रवाल, राजेश जी अग्रवाल, राकेश जी अग्रवाल, जी आर यू इंफ्रा वालों ने 11,000 रुपये शहीदों के लिए अपने तरफ से। सबको सबका एक साथ सॉल्व में उठा लीजिए, एक साथ बांध दीजिए। कला भवन का एक प्रतीक चिन्ह बाबा, बहुत बहुत कृपा आपकी। आइए अब सब बैठे रहेंगे, झांझ मजीड़ा नगाड़े के साथ बाबा की आरती होगी, सारे तालियां बजाकर आरती करेंगे बाबा की। थोड़ा
पुरुषोत्तम भाई साहब जोरदार तालियां बजाकर वायर खींच दे आपको छोड़ राजीव जी काबरा राजीव जी काबरा श्री श्याम कला भवन के सचिव क्या राजीव जी निकल गए चले गए चले गए मोतीलाल जी शर्मा उनका फोन आ गया कोई जरूरी फोन इसलिए मोती भी है मोती भी है इधर मोती भी है इधर मेरी बात सुनिए देखिए मैं कला भवन का बच्चा हूँ और कला भवन के जो हमारे सबसे सुपीरियर हैं उनका सम्मान ही मेरा सम्मान है हमारे मोती भैया भाई दोनों को बांध दो साथ में आइए अब सब कोई बैठ जाइए बाबा की आरती करेंगे भैया बैठ जाइए बड़ी दूर से आए बड़ी दूर से एक दो एक एक दो एक दो लाइन दो लाइन कल सुनाइए दो लाइन बड़ी दूर से आए दो लाइन अब टाइम बड़ी दूर से आ रहा हूं कल अब आरती तैयार हो गई आरती की तैयारी हो गई कल परसों परसों जो बोलो जो बोलो
सर्वं मम देव देव